आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। जनता से पूछते हैं, भैया किसको वोट देने वाले हैं? जी राम राम ताऊ। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम जल सिंह डागर है जी। अच्छा जी, हाँ। क्या माहौल है इधर कांग्रेस वगैरह का? भैया कांग्रेस की तो लुटिया डूबी पड़ी है। क्यों भैया? वाले पहले ही जो 70 साल 65 साल राज कर लियो, वाई मैं भारत को उद्धार न करे तो अब कहाँ कर देगी? अब कहाँ कर देगी? और जब तक मोदी आया ना, यह देश में विकास की रफ्तार बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अच्छा, हर प्रकार से। अच्छा जी। हाँ, और फिर यू कांग्रेस अब काली या उमर अब्दुल्ला ने, अच्छा, राहुल गांधी है कून है। हाँ। ना कोई धर्म है, ना ईमान है, ना नेम है। अब जो कह रहा हो 370 फैल लाऊंगा, फिर उग्रवाद फैलाओ, फिर मोइंस मरेंगे भारत के, फिर भारत के जवान शहीद होंगे। वह 35 जो देश में थे, बीमारी खत्म हैगी, वह बीमारी उल्टी बुला रहा हूँ। जैसे कोरोना मोदी ने भगा दिया, कोरोना से ये यूवी कोरोना ही समझा 370। अच्छा जी। या देश हमारा कोई, मोदी जी ने जब हटाया था 370, आपको खुशी हुई होगी? अपार खुशी हुई। अभी ये लोग कह रहे हैं फिर से लाएंगे, ये तो पागल है। जो 370 दोबारा लावा को जो लगा लो, देश का विनाश करेगा। अच्छा जी। हाँ, तो कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उनका तो यही कहना है कि हम 370 भी लाएंगे। इसमें धोखेबाज है, एक दूसरे धोखो दे रहे हैं। कांग्रेस हो या क्या उमर अब्दुल्ला हो, ये देश को भला नहीं कर रहे, ये केवल अपने बच्चों का भला कर रहे हैं। इन्हें देश की परवाह नहीं है, इन्हें तो अपने पेट की परवाह, घर की परवाह। जो वादे किए गए हैं, मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस ने जो यू बात कही है ना, कल जो हमने सुनी टीवी के चैनल पे और वैसे अखबार में, या को हम भरपूर विरोध है हमारे पूरे इलाके में, विरोध कर रहे हैं। आप भी भैया क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, जो ताऊ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप खुद भी, आप पत्रकार साहब, इन्हीं सब वादों को देख करके जनता ने अपना मन बना रखा है, ये इनकी लुटिया डूबेगी, ये कहीं नहीं आएंगे। कांग्रेस की हर नीति को हर बच्चा बच्चा जाना पड़ा है कि इन्होंने क्या किया है और ये क्या करने वाले हैं। आप ताज़ा ताज़ा देख लो कल की उमर अब्दुल्ला की और इनकी कॉन्फ्रेंस, वो इनका मैनिफेस्टो में है कि ये 370 और 35A को वापस लागू करेंगे। जो इन्होंने 65 साल राज करके, क्या कभी हिंदुत्व के लिए इन्होंने ऐसा सोचा? जो आए दिन हमारे जो भाई हैं उन पर अत्याचार होता था, फौजी शहीद होते थे, आए दिन वहाँ पर आतंकवाद के वो होते थे, कभी इन्होंने सोचा? जब से मोदी जी ने यह हटाया, कितनी मेहनत और कितने कड़े उसके साथ में उन्होंने ये हटाने का काम किया, उसको ये दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी आप जो प्रेजेंट में चल रहा है बंगाल में देख लो, इन जितने भी ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी नेता, इनके सबके मुंह में दही जमी पड़ी है। वहाँ बहन बेटियों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कभी आपने कोई डिबेट पर ऐसे बोलते हुए देखा या कोई टीवी पर बोलते हुए देखा? इनकी हिम्मत ही नहीं है किसी की। क्यों? कि इनका सिर्फ एजेंडा ही ये है कि कैसे भी करके ये साम दाम दंड भेद सारे चोर इकट्ठे होकर के भारत में दोबारा सा आना चाहते हैं, और वो आपने एमपी के चुनाव में भी देख लिया। अभी ताऊ से बात करते हैं। ताऊ जी, ये जो वादे किए गए हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए किए गए हैं, हरियाणा के लिए तो ठीक ठाक है, यहाँ तो हुड्डा जी आएंगे। देखो, है तो भारत एक ही हमारा, सौर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से तक सबरा भारत एक है, उत्तर से पूरा, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। जब सबरा भारत एक है, वे भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। क्या वे हमारे देश के, क्या वे भारतीय नहीं है जो जम्मू कश्मीर में? हरियाणा में क्या नुकसान होगा कांग्रेस का? यहाँ तो हमारा यू नुकसान होगा, हम बता दें भैया भतीजा, जो यू वरीयता थे, जो गरीब के बालक अभी नौकरी मिल जाए ना, अच्छे नंबर वाले, फिर भैया रुपया दे के मिले कांग्रेस के राज में, इन्हें खूब गदर मचाई। नहीं, जो 370 वहाँ पर लगाएंगे, उससे हरियाणा का क्या नुकसान है? क्यों नहीं, वो हमारे भारतीय हैं, जब वहाँ पर वहाँ जवान हमारी सुरक्षा हमारी है, वे उनको दुख पहुँचेगा। वहाँ जो हमारे पीड़ित पंडित हैं, वहाँ से काफ़ी तो पलायन करके जो रह रहे हैं, उनको और फिर दोबारा परेशान किया जाएगा। पाकिस्तान दोबारा वहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर, अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं जो भारत पर आँख उठा के देख ले। अगर आँख उखाड़ निकालेगा तो आँख को निकाल दिया जाएगा, हाथ करेगा उंगली करेगा तो हाथ को काट देंगे। ये मोदी की ताकत है। तो विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है 370 लगाए जाने का, तो विरोध कांग्रेस को सबरे, जो 27 स्टेट हैं उनको सबरे में विरोध कर रहा हूं कांग्रेस को। हरियाणा को तो वही वह रहा है, हरियाणा में नुकसान होगा इनको, हरियाणा में इतना नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। अब इनकी कोई 14-15 सीट आएंगी। अच्छा जी, बस।
तो देख रहे हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है हरियाणा के साथ साथ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसमें 370 फिर से लगाने की बात की गई है और 35 फिर से लागू करने की बात की जा रही है। इसी बात को लेकर ये लोग नाराज हैं, कह रहे हैं भैया कश्मीर तो हमारा ही है, जैसे हरियाणा हमारा है कश्मीर भी हमारा है, और वहाँ पर धारा 370 35 से हटाया गया है और उसको फिर से नहीं लगने देंगे। ये आपका कहना है? ये हमारा कहना, बिल्कुल नहीं लगने देंगे, नहीं लगनी चाहिए। चलो जी, आप तो देंगे कांग्रेस को वोट? कौन आप? मैं कांग्रेस से पहले से खिलाफ हूँ। क्यों? जो खिलाफ हूँ या उनको काम ही ना करे। अच्छा जी, हाँ क्यों? मैं 65 साल, इनको 65 साल है मेरी उम्र, 65 साल में बताओ जन क्या कर दियो, कोई गरीब को बालक लगे हो नहीं, कुछ करो नहीं, बहन जो खाली मुल्ला ने बढ़ावा दें। अच्छा जी, हाँ खाली नाराज हो रहे? हाँ नाराज है जी, कहते बिल्कुल हम कांग्रेस के राजी ना, लेकिन कहते हैं हुड्डा बहुत अच्छा काम करते हैं। हुड्डा पुड्डा ना, हम तो कांग्रेस को ही तो हुड्डा भी। अच्छा जी, हाँ कांग्रेस का ही है हुड्डा, इनका कहना है। देखिए 10 साल आजमा चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो अभी इनको पता है कि कौन कैसा काम करता है। अब धारा 370 लगाने की जो बात की गई है मैनिफेस्टो में, उसका ये विरोध कर रहे हैं, बहुत नाराज दिख रहे हैं ताऊ जी। पुरजोर विरोध है, नाराज हो रहे हैं, पुरजोर विरोध है। अच्छा जी, इसका जो इस जो इन्होंने घोषणा पत्र में वहाँ तय किया है आम और मुल्दा के साथ, उसका हरियाणा में भी भारी नुकसान होगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस पार्टी भी तो राष्ट्रवादी पार्टी है। फिर राष्ट्रवादी रही तो देख तो ली, राष्ट्रवादी 65 साल कांग्रेस के राज में, हमारे देश के वीर जो शहीद हो जाए उनकी डेड बॉडी घर पे नहीं आती थी, इसका काम लाने का भी बीजेपी ने ही किया था। अच्छा, हाँ जो भी काम करती है बीजेपी देश के हित में, जनता के हित में करती है। ऐसा तो नहीं आप भाजपा के हो? मैं भाजपा ताऊ देवीलाल से 1987 ताऊ देवीलाल का हूँ, मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं हूँ सही इंसान का। अच्छा, जो आदमी है, जो पार्टी है, जो सही काम करता मैं उसका हूँ। मेरा आप कभी भी देख लेना, मेरे पे ये हरी पगड़ी ताऊ देवीलाल की रहेगी, परंतु मैं सच्चे आदमी के साथ रहता हूँ, गंदे आदमी की बात नहीं करता मैं। चलो जी, देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जो है खिलाफत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप तो देंगे कांग्रेस को वोट? भैया हम भी ना देंगे, जैसे हमारे ताऊ ने बोल दी, जो देश के लिए हम उसके लिए। अच्छा जी, हाँ तो भाजपा क्या देश के लिए? हाँ देश के लिए। सर कांग्रेस पार्टी ने भी तो राज किया। अरे कुआ में गिरंदा कांग्रेस पार्टी है भैया, आई समझ में? हाँ कुआ में गिर दो, कुआ में गिर दो, ज्यादा ही नाराज हो रहे हो, बांध के कठरिया। भारत की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं, जहाँ पर इतना अलगवाद और आतंकवाद फैलता था, जो खत्म किया मोदी जी ने, और उसको दोबारा बहाल कर रहे हैं आतंकवाद को, तो ये कांग्रेस की कोई अच्छी नीयत नहीं है। इसका खामियाना तो इनको हर जगह हर स्टेट में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।